हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम संगियों, दोस्तों, यारो, मलंगो। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे दोस्त एकदम चौकस होंगे और मज़े कर रहे होंगे। देखिए, एक दोस्त का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपना वीज़ा जो है वो कैंसिल कराना है, तो उसको मैं कैसे कैंसिल कराऊँ। जितने दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर करें। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई देखो, हमने अपना वीज़ा कंप्लीट कर लिया। कुछ कहते हैं कि अभी वीज़ा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैं कंपनी के साथ जॉब नहीं करना चाहता और मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मैं मूव करना चाहता हूं, तो मैंने वीज़ा कैंसिल करना है। तो वीज़ा हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं? देखिए, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जिस कंपनी का आपका वीज़ा है, मतलब जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपने अपनी कंपनी को ईमेल करनी है। वर्बली भी बता सकते हैं, लेकिन वर्बली का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों फ़ायदा नहीं होगा, आगे मैं बताता हूँ। अच्छा, क्या करना है कि आपने रिटर्न के अंदर लिख के एक ईमेल करनी है और उनको बताना है कि मेरा वीज़ा कैंसिल करें, क्योंकि मेरे वीज़े का टाइम पूरा हो गया। जिसका टाइम पूरा नहीं हुआ, कोई और जॉब मिल रही है, तो वहाँ आपका जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर आपका नोटिस पीरियड होगा। आप ये कहें कि भाई मेरा नोटिस पीरियड है 1 मंथ का, आज से मैं आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड देता हूँ, क्योंकि मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैंने वहाँ पे जाना है, वहाँ ज्वाइन करना है, तो प्लीज़ ये आप आज से मेरा जो नोटिस पीरियड है वो कंसीडर करें और आफ्टर 1 मंथ मेरा वीज़ा कैंसिल करें। ये सारी चीज़ें आपकी रिटर्न में होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि कंपनी आपको बुलाएगी, पूछेगी क्या रीज़न है, आपने रीज़न उनको बतानी है, जो भी है। तो सम टाइम कंपनी क्या करती है, ऑन टाइम आपको कैंसिल कर देती है, सम टाइम ये कहती है ओके ठीक है, जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा उसके बाद हम कैंसिल कर देंगे। जो भी होगा, ये आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके ज़रिए होगा। अच्छा, अब क्या है, अब यह है कि अगर कंपनी एग्री होती है, ईजिली कैंसिल करना चाहती है, तो ये तरीके हैं। अगर कंपनी आपको कैंसिल नहीं करना चाहती, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं भाई मैं कंपनी को बोल चुका हूँ, कितनी दफ़ा बोल दिया, प्लीज़ मेरा वीज़ा कैंसिल करो, लेकिन वो कैंसिल नहीं करें, तो उसका भी तरीका है। उसका तरीका क्या है, आपने कंप्लेन करनी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को कहना है कि भाई मैंने RD कंपनी को बोला हुआ है कैंसिल करने के लिए। तो ये रिटर्न जब आपके पास प्रूफ होगा ना, आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो एजेंट होगा, जो ऑफिसर होगा, आप उसको बता सकते हैं मैंने RD इस डेट को मैंने ईमेल किया अपने HR को, अभी मेरा 1 मंथ नोटिस पीरियड पूरा हो गया, लेकिन अभी तक कैंसिलेशन नहीं हुई। वो क्या करेंगे, वो आपको 2-3 दिन का टाइम देंगे, उसके बाद आपके जो ओनर है या जो HR है, जिसका नंबर वहाँ पर रजिस्टर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, उनको फ़ोन करेंगे और पूछेंगे कि भाई इस बंदे का वीज़ा आप क्यों नहीं कैंसिल कर रहे। उनको बोलेंगे इसका वीज़ा कैंसिल करो, इसने अपना जो टाइम पीरियड है वो पूरा कर दिया। पहले तो वो खुद कर देंगे, अगर नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 दिन के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है वो ऑटोमेटिकली आपका वीज़ा जो है वो आपके कहने पर कैंसिल कर देगी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से कैंसिल हुआ, आपके पास एक पेपर आ जाएगा ईमेल के ऊपर, वो पेपर आपने लेके वो कनेक्ट हो जाता है रेजिडेंस के, मतलब लिंक हो जाता है, वहाँ से लेबर कैंसिलेशन हुई, आप जाएं एमरस ID ओरिजिनल आपके पास होगी, आप जाके इमिग्रेशन से आप कैंसिल करवा सकते हैं। तो ये बहुत ईजी तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली वीडियो के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए दुबई वाली सरकार को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।